हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ सर। हमने पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि रिलेशन की रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, आपकी रिलेशन इज़ फ्रॉम ए टू ए। ठीक, यहाँ पर दो सेट नहीं दिए हुए हैं, एक ही सेट दिया हुआ है और रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। और रिलेशन को डिफाइन किया हो गया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0। ये आपको रिलेशन की कंडीशन दी हुई है। और x और y कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट A से। ठीक है, जो भी आप x और y लोगे वो सेट A से होना चाहिए। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आप इसी रिलेशन को, इसको सॉल्व करके वापस कैसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब आपको वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इस रिलेशन को। तो R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, X कहाँ से लेना है, सेट A से लेना है। आपका सेट A में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 14। अगर हम X 1 लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम X 1 लेंगे तो Y कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो पहले हमने ले लिया X 1, जब हमने यहाँ पे पुट किया तो Y कितना आ गया, 3। ठीक, अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, X A से लेना है तो वो आपके पास क्या आ गया, 2। ठीक, तो आपके पास X ले लिया आपने 2। अब X जब आपने यहाँ पे 2 पुट किया, Y कितना आ गया, 6। ठीक है, अब ये भी देखना है, ये जो सेकेंड एलिमेंट्स आ रहे हैं ये भी A से होना चाहिए। ये सेकेंड एलिमेंट क्या है, Y। ये इसने क्या लिखा है, Y कहाँ से होना चाहिए, सेट A से होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी A से होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट भी A से होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आपने। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, X हमने ले लिया 3। ठीक है, X ले लिया 3, जब हमने X यहाँ पे 3 लिखा तो Y कितना आ गया आपके पास, 9। ठीक, चलिए अभी X ले लेंगे हम 4, Y कितना आ गया, 12। ठीक है, अब अगर हम X 5 लेते हैं, ठीक है, A में होना चाहिए, X 5 है इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ रफ में लिख रही हूँ, अगर हम X 5 ले लेते हैं तो Y कितना बन जाएगा, 15। Y कितना आ जाएगा, 15। तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो गलत है, हमारे पास दोनों X और Y दोनों कहाँ से होने चाहिए, सेट A से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 15 आ रहा है, 15 सेट A में नहीं है, तो दैट मीन्स हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले सकते। इन द सिमिलर वे अगर हम X 6 लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Y कितना आ जाएगा, 18। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले सकते क्योंकि 18 तो सेट A में है ही नहीं। ठीक है ना, आपको लिखा हुआ है Y बिलोंग्स टू A। सो दैट मीन्स इसके आगे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जब हम X पुट करेंगे तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं ले सकते। ठीक है, Why? Because उसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो A से नहीं होगा। ठीक, तो हमारा जो रिलेशन है वो, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे इस रिलेशन में। समझ में आ गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन है राइट डाउन इट्स डोमेन। ठीक है, आपको क्या करना है, डोमेन लिखनी है। तो डोमेन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ, आपने एक सेट बनाना है, तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स अगर आपने लिख दिए, कौन कौन से फर्स्ट एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, और इसका सेट बनाएंगे, दैट विल बिकम योर डोमेन। ठीक, अब रेंज आपको पता है, वो भी हमने पढ़ा था, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास, 3, 6, 9 और कौन सा है,
12, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, रेंज। अब आपने लिखनी है कोडोमेन। आपको मैंने बताया था रिलेशन क्या दी हुई है, फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। सो दैट मीन्स होल सेट ए इज कॉल्ड एज कोडोमेन। अगर हम पूरा का पूरा सेट ए लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो सेट ए आपके पास है क्या, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 14, ठीक है। तो ये आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकल गई, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपका रिलेशन ऑन अ सेट एन मीन्स आर इज द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। और x दिया हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x जो आपने लिखना है वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 4 से कम होंगे, ठीक है। और आगे उसने बताया x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और x और y दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर में आप x और y लिखोगे वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन y के लिए तो कोई कंडीशन नहीं लिखी, दैट मीन्स y नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। लेकिन x के लिए कंडीशन लिखी है उसने कि x जो है वो 4 से कम वाले नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, दैट मीन्स x आपके पास 1, 2, 3 ही लिख सकते हैं, ठीक है। y कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन x आपने 1, 2, 3 ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन कर दिया उसने। अब आपने क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दी हुई है, आपने इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और आपने एक चीज़ और लिखनी है, आपको इसकी डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है, ठीक है। आपका सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करते हैं। आर दिया हुआ है रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव कॉमा एक्स नेचुरल नंबर्स होना चाहिए लेस देन 4। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। और एक्स वाई दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। अब ठीक है, अब आपको अगर इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, या हम रफ में लिख लेते हैं एक चीज़, x क्या आना चाहिए आपके पास, लेस देन 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन से आ जाएंगे, 1, 2 और 3। सो दैट मीन्स x आप क्या लिख सकते हो, 1, 2 और 3 ही लिखने हैं, ठीक है। और x था क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर अगर हमने x 1 ले लिया तो आपको ये कंडीशन दी हुई है, ठीक। तो आप क्या करोगे, x जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 6, ठीक। अब और x क्या ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ले लिया x 2, जब आप x 2 यहाँ पुट करोगे y कितना आ जाएगा, 7। y के लिए कोई कंडीशन नहीं है, y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, x 3 ले लेंगे, y कितना आ जाएगा, 8। अब और कोई ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते क्योंकि x के लिए हम 1, 2 और 3 ही ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई नेचुरल नंबर नहीं ले सकते, बिकॉज आपके पास x दिया हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो ये आपने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया इस रिलेशन को, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डोमेन, ठीक है। तो आपकी डोमेन क्या आ जाएगी इसमें, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2 और 3। तो आपके पास आ गया 1, 2, 3, ठीक। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज वो क्या आ गई, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 6, 7, 8। तो इस क्वेश्चन में रेंज आ गई 6, 7, 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपने डोमेन निकाल लिया और रेंज निकाल लिया, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ए दिया हुआ 1, 2, 3, 5 एंड बी दिया हुआ 4, 6, 9।
डिफाइन ए रिलेशनशिप आर फ्रॉम ए टू बी. नाउ दिस टाइम रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड. ठीक है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई लिखोगे उनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे वो ऑड आना चाहिए. ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स जो भी लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट जो भी लिखोगे वो ए से होना चाहिए, और वाई दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट जो भी लिखोगे वो क्या होना चाहिए, सेट बी से होना चाहिए. ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आपको लिखना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है आर, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका. सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और ये रिलेशन मैंने लिख दिया, जो आपको रिलेशन डिफाइन किया गया था वो लिख दिया हमने. अब आपको इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो आपके पास एक कंडीशन है कि आपको जो भी एक्स और वाई लिखोगे उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. ठीक है, हमें वही एक्स और वाई लिखने हैं जिनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए. चलिए, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए एक्स लेना है वो जो कि ए से होना चाहिए, तो हमने ले लिया वन. ठीक, अब बी के एलिमेंट्स वाई लिखना है हमने, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट लिखना है, वो कहाँ से होना चाहिए, बी से लेना है. लेकिन लेना वो एलिमेंट है जिसका हम डिफरेंस वन के साथ करेंगे तो वो ऑड बनना चाहिए. ठीक है, तो देखिए वन का डिफरेंस फोर के साथ कितना आ जाएगा, थ्री. ऑड है तो हाँ हम फोर लिख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गया वन फोर. अब हम लेंगे वन का डिफरेंस किसके साथ, नेक्स्ट फिर से हम वन ले लेते हैं. वन का डिफरेंस किसके साथ लेना है, सिक्स के साथ. ऑड आ रहा है, फाइव आ रहा है ना इसका डिफरेंस, वन और सिक्स का डिफरेंस कितना आ गया, फाइव. तो वो ऑड है तो हाँ ये हम लिख सकते हैं वन सिक्स, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं वन सिक्स, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऑड आ रहा है. अब अगर मैं वन का डिफरेंस नाइन से लूँगी तो वो क्या बन जाएगा, एट, जो कि इवन है. तो हमें इवन तो डिफरेंस चाहिए नहीं, तो दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिख सकते. तो वन के साथ दो ही ऑर्डर्ड पेयर बनते थे जो हमने लिख लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं ए का, टू. ठीक है, अब हमने टू का टू ले लिया, तो अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे. टू का डिफरेंस फोर के साथ इवन होता है, टू का डिफरेंस सिक्स के साथ भी इवन होता है, लेकिन टू का डिफरेंस नाइन के साथ क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. ठीक है, नाइन माइनस टू इज सेवन, तो दैट मीन्स हम नाइन ले सकते हैं. और टू का डिफरेंस सेट बी में किसी के साथ ऑड नहीं बनता, तो दैट मीन्स हमारा टू के साथ एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं ए का, दैट इज थ्री. ठीक, अब देखते हैं थ्री का डिफरेंस फोर के साथ ऑड बनता है, तो हमने थ्री फोर ले लिया. थ्री का डिफरेंस सिक्स के साथ ऑड बनता है, तो हम थ्री सिक्स भी ले सकते हैं. ठीक है, थ्री का डिफरेंस नाइन के साथ इवन बन जाएगा, बिकॉज नाइन माइनस थ्री इज सिक्स, तो वो इवन बन जाएगा, तो हम वो वाला ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं ए का, दैट इज फाइव. फाइव का डिफरेंस फोर के साथ ऑड बन रहा है, ठीक है, तो फाइव फोर हम लिख सकते हैं. ठीक, अब फाइव का डिफरेंस सिक्स के साथ ये भी ऑड बन रहा है, तो ये भी हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं फाइव सिक्स. अब लेकिन फाइव का डिफरेंस नाइन के साथ इवन बन रहा है, ठीक है, बिकॉज नाइन माइनस फाइव इज फोर. ठीक, तो हम ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते. सो दैट मीन्स हमने जितने भी ऑर्डर पेयर्स हमारे बनते थे वो हमने ले लिए. ठीक है, तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, आपको रोस्टर फॉर्म लिखना था. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है, द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू. ये जो फिगर दी हुई है ये क्या बता रही है, पी और क्यू में रिलेशन बता रही है. आपका क्वेश्चन है राइट दिस रिलेशन इन, फर्स्ट पार्ट है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको इस रिलेशन जो कि फिगर में डिपिक्ट हो रही है आपको इसको पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इसको आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो रिलेशन एक तो चीज़ समझ में आ रही है, रिलेशन इज़ फ्रॉम पी टू क्यू. ये एरोज जो है, दीज एरोज आर डिपिक्टिंग दैट रिलेशन इज़ फ्रॉम पी टू क्यू. ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका. रिलेशन इज़ फ्रॉम पी टू क्यू. ठीक है, तो ये आपको डिपिक्ट हो रहा है इस फिगर से, रिलेशन इज़ फ्रॉम पी टू क्यू. अब इस फिगर में ये भी बता रहे हैं फाइव इज़ रिलेटेड टू थ्री, सिक्स इज़ रिलेटेड टू फोर, और सेवन इज़ रिलेटेड टू फाइव. तो दैट मीन्स फाइव का रिलेशन है थ्री से, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, फाइव इज रिलेटेड टू थ्री, फिर क्या आ गया, सिक्स इज रिलेटेड टू फोर,
और आपके पास आ गया सेवन इज रिलेटेड टू फाइव, ठीक है। अगर आप इस इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना दें तो ये क्या बन गया, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म बन गई, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन आर की रोस्टर फॉर्म निकली वो क्या निकली, 536475। तो हमने सेकंड पार्ट पहले ही निकाल लिया जो कि हमें सामने फिगर में दिख रहा था, तो हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आपने इस फिगर की हेल्प से रोस्टर फॉर्म निकाल ली इस रिलेशन की, ठीक ठीक अभी नेक्स्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्ररी ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हमने ले लिया एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, आपने एक ऑर्डर्ड पेयर तो डिनोट कर लिया एक्स वाई के साथ, नेक्स्ट आपको लिखना होता है वो कंडीशन जो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। उस कंडीशन के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसकी रोस्टर फॉर्म को, तो इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें अगर आप फर्स्ट एलिमेंट में से टू माइनस कर देंगे तो आपका सेकेंड एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे फाइव में से टू माइनस कर दिया थ्री आ गया, सिक्स में से टू माइनस कर दिया फोर आ गया, सेवन में टू माइनस कर दिया फाइव आ गया। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में से टू माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट था क्या, एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट आप एक्स से डिनोट कर रहे हैं, उसमें से क्या करना है, टू माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। सेकेंड एलिमेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई से। तो दैट मीन्स ये तीनों के तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया एक्स वाई, तो आगे कंडीशन लिखनी है जो तीनों ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो वो कंडीशन क्या है, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, फर्स्ट एलिमेंट में से टू माइनस करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाली कंडीशन। वेयर, अभी आपने लिखना है एक्स कहाँ से है और वाई कहाँ से है। x कहाँ से लिया था आपने, सेट p से लिया था, ठीक है ना, p से लिए हुए हैं 5, 6, 7। तो x बिलोंग्स टू p एंड y कहाँ से है, y बिलोंग्स टू q। y के जितने भी एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 वो कहाँ से थे, q से थे, तो y बिलोंग्स टू q, ठीक है। तो ये हमने इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो हमें दोनों लिखना था, एक रोस्टर फॉर्म लिखनी थी और सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी थी, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।